राधे राधे मेरी YouTube फैमिली, एक बात बताऊं आपसे। मुझे बहुत खुशी होती है जब घर में मैं कोई खाना बनाती हूँ या फिर कोई न्यू रेसिपी बनाती हूँ, और खासकर दिल से अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। तब तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और हो सकता है सभी का हो जाता हो। तो चलिए, आज मेरे हस्बैंड लेके आए थे यहाँ पर ये आम, तो जो ये पके हुए जूस वाले आम होते हैं ना, तो ये 1 किलो लेके आए थे। इसमें से मैंने आधे की तो बनाई है आइसक्रीम, जो कि आज आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, और आधों से मैंने बनाई थी फ्रूटी। और आप मेरा यकीन मानिए, अगर आप मुझ पर थोड़ा भी विश्वास करते हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, दोनों ही चीज़ें इतनी ज़्यादा बेस्ट, इतनी ज़्यादा अच्छी, इतनी ज़्यादा यम्मी, मतलब बच्चों ने और परिवार वालों ने जब उसका रिस्पॉन्स किया ना, मतलब अच्छी है या बुरी है, तो मन बहुत खुश हो गया। बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बनी थी। सभी का कहना था कि बाजार से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, और वास्तव में बनी थी। इसमें हमने कोई भी मार्केट की क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, जो भी चीज़ें अपने घर पे होती है ना, उसी से ही मैंने इस आइसक्रीम को बना के तैयार किया था, एकदम क्रीमी क्रीमी टेक्सचर वाला। तो आम को काटने के लिए सबसे पहले मैंने साबुत आम को ही छील लिया था। मैं टुकड़े कट करके, मतलब कम ही छीलती हूँ, और फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, जितना हो सके बारीक करके कट कर ले। कढ़ाई में डाल दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई यहाँ पे रख दी है। गैस का फ्लेम कर देंगे हम मीडियम, और इसमें हम डालेंगे चीनी। अब जैसे यहाँ पर ये 500 ग्राम के जितने आम थे, इसमें चली जाएगी हमारी 200 से 250 ग्राम के जितनी चीनी, ठीक है ना। इतनी चीनी तो इसमें चली जानी है, और स्टार्टिंग में ना गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखना है, ताकि जो चीनी है ना हमारी धीरे धीरे से पिघलनी शुरू हो जाए। अब आप देखिए, यहाँ पर जो आम है और चीनी है ना, काफी गाढ़ी गाढ़ी है। अगर मैं इसको धीमी आंच पे भी पकाऊंगी ना, तो उसमें एक क्रिस्टल से बन जाएंगे, मतलब ये चीनी ना जमी जमी सी हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 100 ग्राम के जितना पानी डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब क्या होगा, चीनी आसानी से घुल जाएगी, और करीब इसको 5-7-10 मिनट के लिए पक जाने देते हैं, मतलब अच्छे से चीनी भी घुल जाएगी और ये पक भी जाएगी। साइड में मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे चढ़ा दिया है, आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने डाल दिया है 1.25 लीटर के जितना दूध, गाय या भैंस कोई सा भी आप दूध ले सकते हो, बल्कि मैंने जौन सा दूध ये लिया है वो है, मतलब जैसे हम दूध को पका के रख देते हैं ना, मलाई उतार लेते हैं, तो मैंने तो मलाई उतार रखी थी इसके ऊपर से, वो ले लिया है। और एक छोटी सी कटोरी में मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है, करीब 50-100 ग्राम के जितना, और इसमें 1 से 1.5 चम्मच के जितना हमें कस्टर्ड पाउडर डाल देना है, ठीक है ना। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इससे मैं बहुत सारी रेसिपी बना चुकी हूँ, ओनली मुझे ऐसा लगता है 50-60 रुपए का आता होगा, और मैं इसे 6-7 रेसिपी बना चुकी हूँ, और आज फाइनल था, ख़त्म हो चुकी है। अच्छे से हमें इसको घोल के तैयार कर लेना है, और दूध को ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें ये कस्टर्ड वाला पाउडर यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही दूध के अंदर ये हमारा कस्टर्ड जाता है, तो दूध हमारा थिक होना शुरू हो जाता है, और एक क्रीमी टेक्सचर में आना भी शुरू हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जैसे ही आपने कस्टर्ड वाला घोल डाला है, उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ने से पता है क्या होगा, दूध के अंदर ना एकदम से लम्स बन जाएंगे, इकट्ठा सा हो जाएगा, नीचे चिपक जाएगा, जल जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। साइड बाय साइड में इसको भी चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो आम थे ना, ये भी अच्छे से ना गल से रहे हैं, और इसमें आपको मोटे मोटे बबल भी नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ना पानी डाल दिया था। तो करीब 10 मिनट के जितना टाइम हो चुका है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, क्योंकि इसको हमें ठंडा करना है, यानी ये जो हमारे आम थे ना, इनको मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। इधर देखिए, करीब 12 से या 13 ही मिनट लगेंगे, दूध भी हमारा बहुत अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। इसको एकदम से ना थिक नहीं करना है, मतलब इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी क्रीमी रहना चाहिए, कुछ कुछ ऐसा जैसे नॉर्मली एक कंडेंस मिल्क होता है। देखिए, तो इसको मैंने लगातार चलाया है, इसमें बिल्कुल भी खुरचन नहीं बनने दी है, इसमें बिल्कुल भी मैंने लम्स नहीं बनने दिए हैं। तो जो हमारी ये दोनों ही चीज़ें हैं ना, तैयार हो चुकी है करीब 13-14 मिनट के अंदर, ठीक है ना। अब ये जो हमारा आम था, इसको हम मिक्सी के जार में डाल लेते हैं सिरप के साथ ही। और इसका क्या करना है, हमें एक बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल फाइन सा, फ्लफी सा एक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। देखिए किस तरीके से झटके में गिर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, ये पेस्ट भी हमारा तैयार हो चुका है, एक बार इसको मिला के दिखाती हूँ आपको। देखिए, है ना, बिल्कुल फ्लैपी फ्लैपी हो रहा है। उसके बाद ये जो हमने दूध बना के तैयार किया था, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, दोनों ही चीज़ों का टेक्सचर ना ठंडा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आम का पल्स आपका गर्म है और आपने यहाँ पर दूध डाल दिया
तो फट भी सकता है। मतलब दोनों ही चीज़ों को आपको ना ठंडा कर लेना है, उसके बाद इसको मिक्स करना है। अच्छा एक बात और भी है, अगर आपके पास टाइम है 5-4 मिनट का, तो इसको इस तरीके से आप मिक्स कर ले। मैं सोच रही थी कि मैं इसको ऐसे ही मिक्स कर लेती हूँ, वापस से मैं मिक्सी के पास नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन इसको ना मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको वापस से मिक्सी में डाल रही हूँ, क्योंकि मिक्सी में ना काम जल्दी से हो जाएगा और यहाँ पर मुझे 5-4 मिनट लग जाएंगे, जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी मुझे शाम के बर्तन भी साफ करने हैं, खाना खा के सब जा चुके हैं और बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो चलिए मैंने इसको ना अच्छा सा बढ़िया सा पीस सा लिया है, मिक्सी में चला लिया है करीब 1 मिनट के लिए, और ये बिल्कुल फ्लैपी हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, टेक्सचर बिल्कुल ऐसा आ रहा है जैसे इसमें व्हिप्ड क्रीम मिलाई गई हो, जो नॉर्मली मार्केट से लाके मिलाते हैं ना, मैं सोच रही थी उसी से इसका टेक्सचर ऐसा बनेगा, लेकिन नहीं, इस तरीके से बनाओगे ना तो उससे भी बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा इसका। ये मैंने एक डब्बे में डाल दिया है, इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि इसमें ना अंदर बर्फ की क्रिस्टल न जमे, और किसी बैंड से इसको अच्छे से मतलब सेफ्टी से कवर करके और फ्रीजर के अंदर डाल देते हैं। तो ये मैं शाम के टाइम में कर रही हूँ, पूरी रात के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, और अब दोपहर का करीब हो रहा है 12:30 बजे का टाइम, 12:30 है, 1 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, 12:30 बजे 1:45 बजे आ जाते हैं, और यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। और दूसरी आइसक्रीम भी मैंने बना के रखी हुई है, आपको कुल्फिया की जो मोल्ड है वो नज़र आ गए होंगे, सबसे पहले इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो वास्तव में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, और कितनी अच्छी बनी थी वीडियो के लास्ट में मैं आपको पक्के वाला प्रूफ भी दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए इसके ऊपर से पहले मैंने बैंड उतार लिया है, उसके बाद इस बटर पेपर को उतार देते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेट हो रही है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फ्रिज से निकाल के इसको 5 से 6 मिनट के लिए ना ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है, ताकि ये ऑटोमेटिक ही डब्बे को छोड़ दे, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे से सेट हो रही है, एकदम फ्रीजर के अंदर से आई है तो इतनी आसानी से उतरेगी नहीं। तो ये देखिए, ये हमारी क्रीमी क्रीमी यम्मी यम्मी बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। वास्तव में सच बताऊं आपको, मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि ये आइसक्रीम इतनी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी और खाने में सभी को पसंद आ जाएगी। आइसक्रीम हो या कोई ऐसी चीज़ें हो, अक्सर तो बच्चों को तो पसंद आ जाती है लेकिन बड़ों को नहीं आती है, लेकिन ये आइसक्रीम बच्चों को भी पसंद आई है, मेरे हस्बैंड को पसंद आई है, और हमारे घर में एक सबसे छोटी बच्ची है ना, मेरी सासू माँ मतलब मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जो हमारे बड़े हैं ना, उनको हमारे टाइम की चीज़ें वैसे बहुत ही कम पसंद आती है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आज तक की मैंने जितनी भी आइसक्रीम बनाई है ना, ये वाली नंबर वन बताई जा रही है। जब इसको काटा तो देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है, और खाने वालों को आप देख सकते हैं, रेसिपी शूट कर रही हूँ मैं, और खाने वाले ना बिल्कुल अपनी थाली प्लेट लेके तैयार खड़े हुए थे, मुझे पीछे हटा दिया गया है और अपने आप ही लगे हुए हैं, ठीक है ना देखिए। तो चलिए, कुछ इन्होंने पीस कट किया है, कुछ मैंने ऐसे ही रोक ली थी, मैंने बोला मैं तो इसमें चम्मच लगा के खाऊंगी, जैसे मटका कुल्फी आती है ना ऐसे खाऊंगी, लेकिन ये मटका कुल्फी की तरह ना मेरे हिस्से भी नहीं आया था, मेरे हिस्से में तो वही आता है प्लेट में डाल के खाने वाला सिस्टम ही। तो चलिए, हस्बैंड ने इसके ये 3 टुकड़े कट कर दिए हैं, और बहुत सारी बनके तैयार हुई है दोस्तों, बहुत सारी और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी। तो ये देखिए, खाने के लिए ना सब उतावले हो रहे हैं, और अब आपको मैं आगे की जरा क्लिप दिखा देती हूँ। और जो बेटा है ना, इस चकले के ऊपर थोड़ी बहुत जो ये आइसक्रीम लग गई है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी टेक्स्चर में आ रही है, तो उसको भी चाट चाट के खा रहा है। तो मेरे घर में देखे ऐसे ही खाई जाती है, और अब आगे की बात खुद सुन लीजिए आप। बढ़िया लग रही, बहुत तगड़ी भाई आइसक्रीम थी, तो बढ़िया मजा तगड़ी लग रही है, रोज बना देंगे तुम हमारे लिए, तो मैं बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए मेरी सासू माँ को जीभ से चाट चाट के खा रही हैं। तो ये ना मतलब खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद लेट गई थी, तो आइसक्रीम की वजह से बच्चों ने इनको सोने नहीं दिया और बोलने लगे खड़े होके मम्मी मतलब आइसक्रीम खा लो, तो इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो सभी के सब बहुत ही बढ़िया से आइसक्रीम को इन्जॉय कर रहे हैं। सच बताती हूँ दोस्तों, बिना बाजार की क्रीम के आप घर पर इस तरीके से इस आइसक्रीम को बना के देखिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ, 101% गारंटी देती हूँ, आपके परिवार वाले पसंद कर लेंगे। और आपको पता है ना, आपकी अनिता आपसे झूठ नहीं बोलती है। राधे राधे दोस्तों, अच्छी सी रेसिपी में मिलती हूँ।